आज हम ढाबा स्टाइल आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, बेहद ही यमी होती है और इसकी खास बात यह है कि सिर्फ 5 मिनट में आप इसको बना लीजिएगा, आपके टिफिन के लिए बिल्कुल रेडी मिल जाएगी। तो बिल्कुल जैसे सुबह की बहुत ज्यादा जल्दबाजी में अगर आप हैं या फिर शाम को भी अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप ऑफिस गएंगे और झटपट से कोई सब्जी बनाना चाहते हैं, टेस्टी भी हो हेल्दी भी हो, तो इसके लिए आलू शिमला मिर्च की ये वाली सब्जी से बढ़िया कोई रेसिपी नहीं है। बनाना कैसे है आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है शिमला मिर्च। तो मैंने यहां पर पाव भर के करीब शिमला मिर्च लिए, यानी कि 250 ग्राम लिए, छोटी छोटी शिमला मिर्च है, अच्छे से पहले से धो लिया था, पानी सुखा दिया था, इसके बाद में इसको कट कर लेंगे। तो इसको हमें रफली कट करना है, ऐसा नहीं है कोई बढ़िया सी कोई शेप आपको देने की जरूरत है, जैसे भी आपको लगे ना आराम से बस मस्त तरीके से आप काट लीजिएगा। तो आराम से इसको छोटे या बड़े टुकड़ों में, जो भी आपके घर में जिस भी शेप में खाई जाती हो शिमला मिर्च, उस शेप में या साइज में आप अपने हिसाब से कट कर लीजिए। सारी की सारी शिमला मिर्च को हम काट कर रेडी कर लेंगे। इसके बाद में मैं आलू के बारे में आपको बताती हूँ। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए झटपट से सब्जी बनानी है ना, तो पहले से बॉईल किए हुए आलू ले लीजिए, फ्रिज के बॉईल किए हुए आलू आपको लेने हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 250 से 300 ग्राम के करीबी आलू लिए हैं, यानी कि जितनी आपको शिमला मिर्च लेनी है ना उतनी ही आपको क्वांटिटी में आलू लेना है। आलू को मैंने पहले से उबाल कर फ्रिज में रख दिया था और 4-5 घंटों में जब ये ठंडे हो गए ना उसके बाद में मैंने इनको निकाल लिया, छील लिया और अब मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। ढाबे में जब भी सब्जी बनाई जाती है तो कुछ इस तरह से ही बनाई जाती है और वहां पर काफी बड़े बड़े पीस रखे जाते हैं, वो लोग आलू को फ्रिज में तो नहीं रखते पर एक रात पहले उबाल कर रख लेते हैं। अब आलू भी कट चुके हैं तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई में डालना है आपको तेल, तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है अगर ढाबा स्टाइल सब्जी बना रहे तो। वैसे तो मैं जो भी सब्जी बनाती हूँ लगभग हर सब्जी मेरी सरसों के तेल में ही बनती है, टेस्टी भी बनती है, हेल्दी भी बहुत ज्यादा होता है सरसों का तेल। सब्जी का टेस्ट उम्दा होता है, बहुत ही अलग निकल कर आता है अगर आप उसको मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो। बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है, रिफाइंड ऑयल की बजाय अगर आप मस्टर्ड ऑयल का यूज करेंगे किसी भी सब्जी को बनाने में तो बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। अब यहाँ पर शिमला मिर्च को आपको इस तरह से मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है, बहुत ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इसमें हल्के हल्के निशान आने लगेंगे शिमला मिर्च में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी शिमला मिर्च भुन चुकी है। इसको आप निकाल लीजिए एक प्लेट में और जो बचा हुआ तेल है ना उसमें ही हम वापस से 2 टेबलस्पून के करीब तेल और डाल देंगे। तेल डालने के बाद में अगेन आप अच्छे से तेल को गर्म कर लीजिएगा और उसके बाद का में ही हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक ही कढ़ाई में हम सब्जी बना रहे हैं, बस फटाफट से आपने 2 से 3 मिनट फ्राई करके शिमला मिर्च को बाहर निकाल लिया और इसी में तेल बढ़ा दीजिए। और इसके बाद में आपको क्या करना है, अब इसमें हम ऐड करेंगे एक तेजपत्ता, एक छोटे साइज का तेजपत्ता डाल दीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट और खुशबू आती है इससे। 1/2 टीस्पून के करीब इसमें क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा डाल दिया, अच्छे से चटकने लगेगा तब इसमें प्याज डाल देंगे। मैंने एक बड़े साइज की प्याज को बारीक काट कर डाल दिया है। प्याज की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने एक डाली है तो आप भी एक डालें। देखिए अगर आप बहुत ज्यादा प्याज डालेंगे ना तो उतनी ज्यादा आपको तेल की जरूरत भी पड़ेगी। यहां पर ये मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, लगभग 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, 8 से 10 लहसुन की कलियां ली थी और उसका मिक्सी में पेस्ट बना लिया और वो मैंने इसमें डाल दिया। ताजे लहसुन का अदरक का पेस्ट अगर आप डालेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और ढाबा स्टाइल जो भी सब्जी होती है ना उसकी जान होती है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको प्याज और अदरक के लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लीजिए जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। तो इसी बीच हम इसमें मसाले भी डाल देंगे, जैसे मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून से लेकर 1 चम्मच तक आप इसमें डाल दीजिए रंग वाली मिर्च, जिसको कि कश्मीरी मिर्च बोलते हैं, बहुत ज्यादा तीखी भी नहीं होती है, कलर बहुत अच्छा देती है और ये वाली जो लाल मिर्च होती है ना ढाबों वगैरह में बहुत यूज की जाती है। आप बिल्कुल परेशान मत हो अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर जो भी आपके घर में आप इस्तेमाल करते हो वो डाल सकते हैं, बस थोड़े से आपको कलर में चेंज लगेगा, इसके अलावा आपके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अब यहां पर देखिए मसाले को हम भून रहे हैं, अब काफी ड्राई सा लग रहा है मसाला तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया या फिर लगभग 1/4 कप पानी डाल दीजिएगा। अच्छे से यहां पर अब हमें पेस्ट को भून लेना है जब तक ये तेल को छोड़ने नहीं लगता। अब देख रहे हैं आप अपने आप ही तेल छूटने लगा है, मसाला लगभग हमारा भुन रहा है। इसी बीच हम इसमें नमक भी डाल देंगे, तो जो भी आपकी नमक की सब्जी में रिक्वायरमेंट हो, पूरा के पूरा नमक मैं एक ही बार में डाल रही हूं तो लगभग 1 चम्मच के करीब मैं नमक ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिएगा या फिर जितनी क्वांटिटी में आप सब्जी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप डालिएगा। जैसे अगर आप कम ले रहे हैं शिमला मिर्च, आलू शिमला मिर्च की क्वांटिटी अगर आपकी कम है, 2 शिमला मिर्च 2 आलू लेकर बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप डालिएगा, 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप मसाले को सबसे पहले अच्छे से भून लीजिए। यहां पर देखिए जो तेल छोड़ने लगा है हमारा मसाला,
तो मसाला भुनकर तैयार है। अब इसमें आलू डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिला लीजिए। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा है, आप चाहे तो थोड़ा सा बीच बीच में ना तेज कर सकते हैं आप आँच को। और अच्छे से मसाले को हमें आलूओं पर लपेट लेना है, साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आलू हमारे पहले से उबले हुए थे, शिमला मिर्च को पहले ही हमने थोड़ा सा ना सेक लिया, भून लिया, बस सारा मसाला तैयार किया, आलू शिमला मिर्च को मिक्स किया, टमाटर वगैरह कोई डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में हम ऐड करने वाले हैं इसमें अमचूर पाउडर खटास के लिए। हाँ, अगर आप अमचूर पाउडर ना डालना चाहें, अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप इसमें ऑफ कोर्स टमाटर एक या दो काट कर भी डाल सकते हैं, और टमाटर को भी थोड़ा सा ढक ढक कर गला लीजिएगा। तो आलू शिमला मिर्च इस तरह से डालने के बाद आप एक टमाटर काट के डाल सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करके बाद में गला लीजिएगा। फिलहाल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब किचन किंग मसाला, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इससे। इसकी जगह आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून। साथ ही मैंने इसमें 1/2 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर डाला है खटास के लिए। जैसा मैंने बताया कि मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है, तो मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया, आप टमाटर भी डाल सकते हैं। अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लीजिए। अब ढककर इसको लगभग हम 2 से 3 मिनट तक और कुक करेंगे, जब तक कि हमारी शिमला मिर्च थोड़ी ज्यादा और सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो देखिए यहाँ पर ढककर मैंने इसको सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा कुक कर लिया है। यहाँ पर हमारी ये ढाबा स्टाइल आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही यमी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और आलू का साइज मैंने थोड़ा बड़ा रखा है, क्योंकि ढाबे में ना थोड़ा बड़ा ही रखा जाता है। आप चाहे तो आलू को और छोटा भी काट कर इस सब्जी को बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी यमी सी सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसको आप जरूर बनाएं, टिफिन के लिए बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाइए, या फिर इसको लंच में, डिनर में, रोटी पूरी पराठा नान किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। पूड़ी के साथ भी ये जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।